दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको दो ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि हमारी गाय भैंस की भूख बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार है, चमत्कारिक रिजल्ट देंगे। तो भाई बारिश के मौसम में प्रॉब्लम ये रहती है कि अक्सर हम देखते हैं कुछ दिनों बाद पशु खाना पीना बंद कर देता है, और अगर गाय भैंस खाना पीना जब बंद करती है तो भाई उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, दूध की मात्रा जो है वो आधी से भी कम हो जाती है। ऐसी कंडीशन में पशुपालकों की चिंताएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर वो भागते हैं कोई ना कोई इलाज करवाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपनी गाय भैंस को तुरंत ठीक करवा सकते हैं। दोनों ही इंजेक्शन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ही लगवाने हैं। ऐसा नहीं होगी मेडिकल से लाए और आपने खुद ही लगा दिया, खुद नहीं लगाना है, पशु चिकित्सक से ही लगवाना है। वो कौन कौन से इंजेक्शन है और किस तरीके से वो फायदा करेंगे उसमें देखिए। नंबर वन पर मैं एक नॉर्मल इंजेक्शन को लेता हूं, और नॉर्मल इंजेक्शन मेरे सामने टेबल पर पड़ा है जिसका नाम है बेलामिल। जी हां, बेलामिल एक प्रकार का बी कॉम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन है, और इसकी 10 ml डोज, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। 10 ml डोज जो है वो 2 क्विंटल से लेकर के और 4 क्विंटल तक के डॉग की भूख बढ़ा सकती है। 10 ml, और इसको मांस में लगाना होता है, इंट्रा मस्कुलर लगाना होता है, गर्दन वाले रीजन पर एक तरफ लगा दिया जाता है, दूसरी तरफ मैं जो दूसरा बताऊंगा वो लगाना है। तो इसको 10 ml इस्तेमाल मात्र से भूख को बढ़ाया जा सकता है और अच्छी तरीके से गाय भैंस को ठीक किया जा सकता है, चाहे उन्हें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई है। बारिश के मौसम में शुरुआती इलाज यही करना रहता है, उसके बाद पशु चिकित्सक तय करते हैं कि हमें आगे का इलाज क्या करना है। नंबर टू, सेकंड जो इंजेक्शन मैं हाथ में लेने जा रहा हूं वो है फ्रेंड मेलोनेक्स। जी हां, मेलोनेक्स इंजेक्शन, मेलोनेक्स भी आता है और एक मेलोनेक्स प्लस भी आता है, मेलोनेक्स पावर भी आता है, तीनों लगभग सेम से हैं। मेलोनेक्स प्लस बुखार में कम काम करता है और बाकी दोनों बुखार में भी काम करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि बुखार है तो उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तो बात चल रही है भूख बढ़ाने की, बात चल रही है खाना पीना बंद कर दिया है उसको चालू करवाने की। तो ऐसी कंडीशन में जो शुरुआती इलाज होगा उसमें मेलोनेक्स बहुत ही शानदार तरीके से काम आता है, और ये मेलोनेक्स जो है वो 20 ml लगाया जाता है लगभग 3 से लेकर के और 5 क्विंटल तक की गाय भैंसों को। 20 ml मात्र से ही ये काम हो जाएगा, अगर इससे बड़ी है तो इसकी मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है और 30 ml तक मैक्सिमम डोज इसकी ले जाई जा सकती है। तो भाई ये जो इंजेक्शन है मेलोक्सिकाम सॉल्ट है, काम क्या है, वहाँ मैंने आपको बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था कि ये बी कॉम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट है। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब विटामिन बी का समूह है, साथ में लीवर एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर मिला हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से इसको सॉल्ट जो अगर देखा जाए इसका, तो वो है मेलोक्सिकाम, प्लेन मेलोक्सिकाम है। अगर पैरासिटामोल होता तो वो बुखार में अच्छा वर्क करता, हालांकि ये बुखार में भी हल्का वर्क करता है, लेकिन इसका जो मेन वर्क होता है वो सूजन को कम करने का और दर्द को कम करने का है। अब सुनिए अपनी बात पर इसको जोड़ते हैं कि जब भी गाय भैंस खाना नहीं खाती तो ये क्या काम करेगा। देखिए, छोटा मोटा दर्द कहीं पर भी हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। छोटा मोटा दर्द आंतों में हो सकता है, छोटा मोटा दर्द पेट के किसी भी हिस्से में हो सकता है, छोटा मोटा दर्द शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, हमें पता नहीं चलता और पशु खाना पीना बंद कर देता है। ऐसी कंडीशन में इसको जूं ही लगाया जाता है जहां सूजन की वजह से दर्द था या दर्द की वजह से सूजन आ रखी थी, वो इससे ठीक हो जाती है और पशु फिर खाने पीने लग जाता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से खाने पीने लग जाता है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहती। अब मान लीजिए कि ये लगाने के बावजूद पशु ने एक दिन तो खाना खाया लेकिन दूसरे दिन से फिर खाना बंद कर दिया, यहाँ से शुरू होता है एक अलग टर्निंग पॉइंट। जी हाँ, अगर दूसरे दिन से उसने खाना पीना बंद कर दिया है, इसका मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन उसको ज़रूर है, और उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आपको अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की ही सलाह लेनी पड़ेगी। पशु चिकित्सक क्या करेंगे, पशु चिकित्सक अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनको लगता है प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन है तो वो एंटी प्रोटोजोअल ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि पैरासाइट का इन्फेक्शन है तो पैरासाइट का जो ट्रीटमेंट है वो किया जा सकता है। इसके अलावा पैरासाइट से मुझे याद आया कि आप भी अगर चाहें तो डिवॉर्मिंग और लीवर टॉनिक, ये तो अपने पशु को अभी दे दीजिए ताकि बारिश के मौसम में बीमारी नहीं होगा। डिवॉर्मिंग और लीवर टॉनिक अगर आपने कर दिया तो भाई बारिश के मौसम में बीमारी नहीं होगा। तो ये काम आप कर सकते हैं और अपने अपने गाय भैंस को
बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। दोनों इंजेक्शन मांस में लगते हैं, इंट्रा मस्कुलर लगते हैं, दोनों को ही गर्दन वाले रीजन पर, एक को इस तरफ और एक तरफ इस तरफ लगा दिया जाता है। और इनको अगर रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है तो 24 घंटे से, एनोरेक्सिया के केस में इनको 24 घंटे से फिर से रिपीट किया जाता है। प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर टेम्परेचर है, मैंने कहा टेम्परेचर है तो आप टेम्परेचर वाला इलाज कीजिए, लो टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर वाला इलाज करवाइए। लेकिन जब टेम्परेचर नॉर्मल हो और खाना पीना बंद हो, उस स्थिति में ये भाई गजब का रिजल्ट देते हैं और आप इनका इस्तेमाल करके अपने पशुओं को बिल्कुल ठीक करवा सकते हैं।